अब भगवान बताते हैं इस श्लोक में कि वो जो मेरा धाम है आध्यात्मिक जगत, हर एक जब लोग आते हैं हमसे पूछने के लिए कि प्रभु जी हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ठीक है हमने मनुष्य जीवन पाया, हमें भक्ति करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, लेकिन इसके बाद क्या? तो हम भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान के धाम जाना। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सभी लोग जानते हैं, है ना। फिर भी इस पे हम आपको थोड़ा सा इस पे कुछ बताएंगे। जैसे कि जब हम कहते हैं ना कि ये मेरी किताब, जब मैं कहता हूँ ये मेरी किताब, इसका मतलब मैं और ये किताब हम दोनों अलग अलग हैं। हम ये नहीं कहते हैं मेक मैं किताब, है ना। उसी तरह से जब व्यक्ति कहता है मेरा सर, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर, जैसे वो कहता है मेरा शरीर, यानी वो अपने शरीर से अलग है, वो शरीर नहीं है। एक बार हमने जब क्लास में सबसे पूछा भाई आप कौन हो बताओ, तो एक लड़के ने कहा कि सर मैं ये हूं जो आप देख रहे हो, मैं यही हूं। तो हमने बताया जब आप 5 साल के थे तो क्या आप ऐसा दिखते थे? नहीं दिखते थे। आज से 30-40 साल के बाद 70 साल के हो जाओगे तो क्या आप ऐसा दिखोगे? नहीं। लेकिन आप वही रहते हो। अगर आप विकास है, उस समय भी विकास थे, अभी भी विकास है, आगे भी विकास ही रहोगे, लेकिन आपका जो शरीर है वो हर एक क्षण बदल रहा है। अगर आप ये शरीर हो तो शरीर बदलने के साथ आप भी बदलने चाहिए, लेकिन आप नहीं बदलते, इसका मतलब आप ये शरीर नहीं हो, इससे अलग हो। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं वा साम से जीर्णा ने यथा विहाय नवा निगृहणाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कहते हैं जिस तरह से ये शर्ट हमने पहन रखा है, ये शर्ट जब पुराना हो जाता है, फट जाता है, बेकार हो जाता है, तो इसको निकाल के फेंक के हम नया वस्त्र धारण कर ले। अन्यानि संयाति नवानि गृहणाति नरोपराणि, नया शर्ट वो धारण कर लेता है वो शरीर। उसी तरीके से आत्मा का ये शर्ट जो है ये शरीर है। तो जैसे ये शरीर जर्जर हो जाता है, वृद्धावस्था को प्राप्त करता है और कुछ काम नहीं कर सकता, तो ये आत्मा इस शरीर का त्याग करती है और दूसरे शरीर को धारण करती है। तो हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो ये आत्मा इस भौतिक जगत में कहां से आती है? तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि ये आत्मा का जो मूल स्वरूप है, जैसे कि मछली का मूल स्वरूप है पानी में रहना, उसी तरीके से आत्मा का मूल स्वरूप है भगवत धाम में भगवान का सेवक बन के रहना, ये उस आत्मा का मूल स्वरूप है। जैसे रामायण के अंत में सभी अयोध्यावासी भगवान के साथ कहां चले गए? साकेत धाम। और उसी धाम में ये लोग भगवान की सेवा करते हैं निरंतर काल तक। हर एक जीव इस भौतिक जगत में जितने भी आत्माएं हैं उनका मूल स्वरूप यही है कि वो भगवान के सेवक हैं। ये व्यक्ति जिस दिन समझ जाता है उसके जीवन से सभी कष्ट चिंताएं सभी परेशानी चले जाती हैं। लेकिन व्यक्ति जितनी बार इस चीज को भूल जाता है उतनी बार वो अपने आप को परेशानी में डालता है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, ये हर एक जीव का स्वरूप है कि वो कृष्ण का नित्य दास है। मछली को पानी से निकालो वो तड़पती है, उसी तरह से व्यक्ति जैसे ही भूलता है कि मैं भगवान का सेवक हूं वो तड़पने लगता है। तो हर एक साधु का ये कर्तव्य है, संत का ये कर्तव्य है व्यक्ति को उसके असली स्वरूप का पहचान कराए। शास्त्र का पूरा वही मतलब है, शुरू से लास्ट तक पढ़ने के बाद यही कंक्लूजन में आना चाहिए कि वो ईश्वर है, मैं उसका सेवक हूं। तो शास्त्र कहता है कि जब हमारी ऐसी इच्छा थी कि मैं सेवक नहीं बनना चाहता हूं, मैं ईश्वर बनना चाहता हूं, तो ऐसी इच्छा रखने के कारण भगवत धाम से हमें यहां भेजा गया कि जाओ, ये हो नहीं सकता लेकिन तुम प्रयास करो। प्रयास करके जब विफल हो जाओगे तो अंत में समझ में आएगा कि मैं प्रभु का सेवक हूं, और तब वापस मेरे धाम आना और तब सेवा करना। तो ये हर एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है क्या कि साधना कर, भगवान का नाम जप कर, उनके प्रति आसक्ति पैदा करके हमें भगवान के
धाम जाना है। ये हर एक आत्मा का आत्मा की पहचान है। जैसे कि अगर आप सरकार के बनाए किसी नियम को तोड़ते हैं तो सरकार आपको जेल में डाल देती है। जेल क्या है? वो है एक संशोधन का, क्या कहते हैं उसको, संशोधनालय, जहां पे संशोधन किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, है ना। उसी प्रकार से समझ लेते हैं तो ये भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया है ये भी एक संशोधनालय की तरह है, जहां पे वैसी आत्माएं जो प्रदूषित हो गई हैं ईश्वर बनने की भावना से, उन्हें इस भौतिक जगत में भेजा जाता है कि अपना संशोधन करो और वापस मेरे पास आ जाओ। तो उसी तरह से भगवान हमें भेजते हैं इस भौतिक जगत में। तो इस भौतिक जगत में मनुष्य जीवन का ये दो परम लक्ष्य है, पहला अपना संशोधन करना और दूसरा भगवत धाम जाना। तो संशोधन कैसा? आप कहेंगे हमारे अंदर तो कोई गंदगी नहीं है, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन मानिए या मत मानिए, शास्त्र बताता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो भगवान को छोड़ के यहाँ आया है उसके अंदर ये छह दोष तो है ही। अभी व्यक्ति के अंदर क्या है? वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये सबके अंदर है, चाहे कोई माने या ना माने। तो भलाई इसी में है, इसे मानते हुए इसके संशोधन के लिए हम कुछ कर रहे थे, है ना। तो ये अपने आप नहीं होता है, ये संशोधन अपने आप, एक दिन आप सोए हुए थे, भगवान से प्रार्थना किया, आप सो गए, बिजली चमकी, आंधी आई, तूफान आए, सुबह उठे और आप पूरी तरह से शुद्ध हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, ये खाली सपनों में हो सकता है, वास्तविक जीवन में नहीं होगा ये। इसके लिए थोड़ी चेष्टा करनी पड़ती है, थोड़ा कष्ट लेना पड़ता है, थोड़ी साधना करनी पड़ती है, भगवान का नाम लेना होता है, शास्त्र पढ़ना होता है, सत्संग में आना होता है। तो जितना समाज में इंजीनियर, डॉक्टर, क्लर्क और इन लोगों की जरूरत है, उतनी ही समाज में साधु और संतों की भी जरूरत है। जैसे हमारे कलकत्ता में इस्कॉन मंदिर जो है, उस मंदिर के ठीक सामने में एक तालाब है। तो हमने सरकार से अनुरोध किया कि ये तालाब हमें दे दीजिए, हम इसका थोड़ा इसको सुंदर बना के अच्छे से हम इसको मेंटेन करेंगे। तो सरकार ने कहा पहले आपको इसमें 5 लाख रुपए की मछलियां डालनी पड़ेंगी। तो हम हैरान हो गए, तालाब में मछली डालने की क्या जरूरत है। तो फिर उन्होंने बताया कि मछली एक ऐसा पशु है जो सब कुछ खा लेती है, सब कुछ, कुछ भी नहीं छोड़ती। तो मछली के रहने से तालाब साफ सुथरा रहता है, वो कभी गंदा नहीं होता। इसीलिए तालाब को, तालाब के सौंदर्यकरण के लिए उसमें मछली का रहना बहुत जरूरी है, ताकि तालाब साफ सुथरा रहे, गंदा ना रहे। तो हमारे शिक्षा गुरु ने इससे हमें बहुत अच्छा संदेश सुनाया, बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखो, जिस तरह से तालाब में मछली रहने से तालाब साफ रहता है, उसी तरह से गृहस्थों का जो ये समाज है ये इस तालाब की तरह है, जिसमें ब्रह्मचारी, साधु और संतों, संत जो होते हैं वो इस मछलियों की तरह है ना। तो मछली को सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। और पानी को साफ रहने के लिए किसकी जरूरत है? मछली की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो उसी तरह से समाज में अराजकता, भ्रष्टाचार, घर में शांति और ये सब के लिए किसका होना बहुत जरूरी है? समाज में साधुओं का होना बहुत जरूरी है। और साधुओं को भी अपना जीवन निर्वाह करने के लिए किसकी जरूरत है? गृहस्थ की जरूरत है। दोनों एक दूसरे पे पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। तो इन दोनों का सहयोग होता है अच्छे से तो ही समाज में बैलेंस रहता है। अगर साधु संत और इन लोगों को हटा दिया जाए समाज में तो फिर पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि गृहस्थों का जीवन ऐसा होता है कि उन्हें भौतिक दुनिया के संपर्क में रहना होता है। हमारा कैसे, हम दिन भर शास्त्र पढ़ते हैं, कथा करते हैं, नाम कीर्तन करते हैं, बस हमको बाहर जाके किसी पॉलिटिक्स में या किसी भ्रष्टाचार में घुसने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो हमें भिक्षा में थोड़ा मिल जाता है हम अपना मेंटेन करते हैं, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए हमारा गंदा होने का, गंदा होने की जो संभावना है काफी कम होती है। लेकिन जो गृहस्थ होते हैं उन्हें अपना परिवार, घर संसार बसाने के लिए, चलाने के लिए काम करना है, भौतिक दुनिया में रहना है, और बाहर के लोग, तरह तरह के प्रवृत्ति है उनके अंदर,
कोई चीटर है, कोई डाकू है, कोई चोर है, डकैत है, बहुत तरह के लोग हैं। तो इसीलिए संभव है कि व्यक्ति बार 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 इस भौतिक दुनिया में विलीन होकर अपने काम काज में लग कर भगवान को भूल जाते हैं। जैसे ही भगवान को भूलता है उसके भगवत धाम जाने की संभावना कम हो जाती है। तो इसलिए समय समय पर वो साधु को, संत को घर में बुलाता है या सत्संग में जाता है, शास्त्र पढ़ता है, ताकि अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे और हमेशा इस चेतना में रहे। तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति करना और भी कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी ये जीवन की एक सबसे बड़ी आवश्यकता है, ये समझते हुए हमें ये करनी चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था, जंगल में आखेट के लिए आया हुआ था। तो शिकार करते करते वो रास्ता भूल गया, रात हो गई, तो घूम रहा था इधर उधर। तो जंगल के कुछ आदिवासी लोग थे, वो डमरू वमरू बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए आके सबने उसे घेर लिया। झिंगा लाला हु हु अलग अलग तरह के गाना गा रहे थे। तो ये व्यक्ति तो बहुत डर गया कि कौन है, अब क्या करेंगे ये मेरे साथ। तो सबने उसे उठा के एक बड़े पालकी में बिठा दिया और उसको माला वाला पहना दिया, टीका विका लगा दिया। अब उनकी भाषा ये समझ ही नहीं पा रहा है, ये क्या कर रहे हैं ये लोग। एक व्यक्ति जो था वो उसकी भाषा समझता था, उसने पूछा ये क्या चल रहा है। उस लड़के ने, उस व्यक्ति ने बताया, उस कबीले का जो व्यक्ति था, बोला कि हमारे यहाँ ऐसा नियम है कि आज ये अमावस्या की रात है, अमावस्या की रात में हम निकलते हैं बाहर और इस आसपास के एरिया में जो भी पहला व्यक्ति मिलता है उसे पकड़ के हम अपने कबीले का राजा बना देते हैं एक साल तक, और उसे सभी तरह की सुख सुविधाएं, भोग विलास, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ, वो हमारे कबीले का राजा है। ये सुन के तो वो प्रफुल्लित, वाह बैठे बैठे कितनी गरीबी में जीवन चल रहा था, यहाँ तो मैं राजा बन गया, एक रात में इतने सारे मुझे फॉलोअर मिल गए, पैसा, सुख, शांति, बहुत अच्छा। वो पूरा बहुत खुश हो गया, भगवान से प्रार्थना करने लगा, रहे वाह ये तो पूर्व जन्म का कर्म ही होगा जो मुझे इतना अच्छा मौका मिला। तो मजे में जा रहा था, लोग गाना वाना बजा रहे थे, उसके लिए नाच रहे थे, गा रहे थे, सब उसे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं राजा बन गया। तभी उसे फिर से एक दिमाग बात में आई, एक बात दिमाग में आई, उसे पूछा तो उसको याद आई कि अरे इस व्यक्ति ने कहा कि मुझे राजा तो बनाएंगे लेकिन एक साल के लिए, एक साल के बाद क्या होगा। फिर उसे बुलाया, अच्छा ये एक साल के लिए राजा बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे। आपको एक साल के लिए राजा बनाया जाएगा और एक साल के बाद ये पास में ही एक द्वीप है, समुद्र से अंदर जाएंगे तो एक द्वीप है क्योंकि पूरी तरह से सूखा पड़ा है, कोई व्यक्ति नहीं रहता है, वहां कुछ भी खाने की व्यवस्था नहीं है। आपको उस द्वीप में छोड़ दिया जाएगा भूखे मरने के लिए, इसीलिए तो हम अमावस्या की रात में निकलते हैं, ये हमारा तरीका है यहाँ का। तो वो व्यक्ति तो पूरी तरह से भयभीत हो गया कि अरे एक साल तो राजा रहूंगा, एक साल के बाद ये क्या अवस्था हो जाएगी मेरी। तो बहुत डर गया वो। तो लेकिन वो था बहुत बुद्धिमान, उसने वो एक साल, उसके पास बहुत सारे अवसर थे भोग विलास करने का, बहुत सारे अवसर थे अपना जीवन बहुत अच्छे से बिताने का, एटलीस्ट एक साल। लेकिन वो उसने कुछ भी छुआ तक नहीं, जो भी सुख सुविधा थी उसको छुआ तक नहीं, और एक साल उसने खूब पसीना बहाया, बहुत मेहनत किया। तो जितने लोग थे वो सोच रहे थे पागल है क्या ये, इतनी सारी सुख सुविधा है, फैसिलिटीज है, लेकिन फिर भी ये इतना मेहनत क्यों कर रहा है ये। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, 8-10 लोगों का एक टीम बनाया, उसे भेज दिया दूसरे द्वीप में, बोला जाओ एक साल के अंदर वहां एक पूरा शहर बन जाना चाहिए। और एक साल तक ये व्यक्ति पूरा सुबह शाम दिन रात प्लानिंग करता था, ये करता था, यहाँ से सब रिसोर्सेस भेजता था, कर करके सुंदर बगीचे बनाए, बिल्डिंग बनाए, लोगों को सेट कर दिया, पूरा वहाँ खेती वेती ये वो पूरा शहर बना दिया उधर। एक साल बहुत कड़ा मेहनत किया इसने। अब एक साल के बाद जब कबीले के लोग उसे उठा के वहां फेंक के आए, अब वो बाकी जीवन आराम से सुख शांति से उसने बिताया। तो ये एक साल उसने खूब मेहनत किया लेकिन बाकी का जीवन शांति से बीता। लेकिन अगर ये एक साल वो भोग विलास में लगाता तो वहां उसकी अवस्था बहुत बुरी हो जाती। तो ये कथा शास्त्र में आती है, हमें एक बहुत ही जरूरी शिक्षा देती है, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये जो हमारा मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन उसी एक साल की तरह है।
जिसमें बहुत सुख सुविधाएं तो हैं, लेकिन इस सुख सुविधाओं के बावजूद आप काफी साधना और मेहनत करके अपने बाद की जिंदगी को भगवत धाम जाकर बहुत श्रेष्ठ रूप से बिता सकते हैं, बहुत ही श्रेष्ठ रूप से बिता सकते हैं। लेकिन वैसे लोग जो मूर्ख हैं, वो इस भौतिक जगत में अनंत काल तक जन्म मृत्यु के चक्कर में ऐसे फंसे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जीवन के सुख सुविधाओं और भोग विलास को देखकर वो विचलित हो जाते हैं और इसी में पड़कर भगवान को भूल जाते हैं। तो ये 70 साल तो ठीक ठाक बीत ही जाएगा आपका, कैसे ना कैसे करके मैनेज करके थोड़ा आ गया, पैसा आ गया, बीवी बच्चे सब बढ़िया बीत गया, लेकिन इसके बाद क्या होने वाला है? तो एक भगवान कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो भविष्य को सोचते हुए वर्तमान में काम करता है, मूर्ख व्यक्ति अपने भूतकाल को याद करके रोता रहता है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति बनना चाहिए। चाणक्य जी बताते हैं, यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिसेवते, ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव हि। यो ध्रुवाणि, ध्रुवाणि यानी कि परमानेंट, जिस जो कभी विनाश नहीं हो सकता जिसका। यो ध्रुवाणि परित्यज्य, अगर कोई व्यक्ति परमानेंट चीजों का त्याग कर दे। परमानेंट चीजें क्या है? भगवान की कथा, सत्संग, भगवान का नाम, भगवान। कोई आपसे कभी भगवान को छीन सकता है? कोई है? आपके बेटे को छीन सकता है, बेटी को छीन सकता है, पैसा छीन सकता है, घर बंगला गाड़ी सब कुछ छीन सकता है, लेकिन क्या कोई भगवान को छीन सकता है आपसे? वो कभी मर सकते हैं आपके लिए, बाकी सब लोग आपके जीवन से चले जाएंगे, लेकिन ये कभी नहीं जाने वाला। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति परमानेंट चीज का त्याग करे और ध्रुवम परिसेवते, इस भौतिक जगत की टेम्पररी चीजों का सेवन करने के लिए, तो ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, भगवान के प्रति तो आसक्ति आई नहीं उसकी, अध्रुवम नष्टमेव हि, और जो टेम्पररी है वो तो नष्ट होगा ही होगा, तो क्यों टेम्पररी है? तो अंत में, जीवन के अंत में उसके पास बचा क्या? कुछ नहीं। परमानेंट भी गया, टेम्पररी भी गया, हाँ कुछ नहीं मतलब। जैसे कि कसाई खाने में अगर आप देखेंगे तो 20-25 बकरियों को बांध के रखते हो और सबके सामने हरी हरी घास डाल देते हैं, सभी बकरियां सोचती है कैसा मूर्ख है ये, हमको बांध के घास खिला रहा है, वाह खाओ खाओ जल्दी खाओ। तो सभी के सामने एक बकरी को खोल के वो लेके जाता है और उसे काटता है, काट के उसके मांस निकाल के बेचता है, और सभी बकरियां देख रही है ये कट गई मेरी सहेली, लेकिन उसके बाद भी सभी किसमें व्यस्त है? घास खाने में व्यस्त है, सभी घास खाने में व्यस्त है। वो देखती भी है तो सोचती है उसके साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा, वो खाने में व्यस्त है। यही अवस्था है इस भौतिक जगत में सभी जीवों की, सभी की यही अवस्था है। वो मरा मैं नहीं मरूंगा, वो भी मर गया, वो मरा मैं नहीं मरूंगा, लेकिन हर एक व्यक्ति की, हर एक बकरी की बारी आने वाली है। तो इस भौतिक जगत में सिर्फ घास खाने में जो व्यक्ति बिजी है, व्यस्त है, वो उसका भी गला कटने वाला है। इसीलिए ये देखते हुए कि कैसा चल रहा है जीवन लोगों का, हमको तुरंत सतर्क होना चाहिए, तुरंत प्रयास करना चाहिए कैसे मैं गले से निकलूं, घास खाने को छोड़कर यहाँ से भागने का प्रयास करना चाहिए। तो ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। तो ये सभी आत्माएं भौतिक आध्यात्मिक जगत में भगवान की सेवा में थी और भगवान की सेवा को छोड़ के वो इस भौतिक जगत में अनंत काल तक प्रयास करता रहता है ईश्वर बनने का, लेकिन वो कभी बन नहीं पाता। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, वो तो सेवा कर रही थी भगवान की, तो फिर ये आत्मा भगवान को छोड़ के क्यों आ गई? ईर्ष्या के कारण, हर एक व्यक्ति के मन में ये ईर्ष्या बैठा हुआ है। तो हमने जब देखा वो व्यक्ति ज्यादा खुश है, ज्यादा इंजॉय कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उससे ज्यादा, लोग उसकी सेवा कर क्यों कर रहे हैं, मेरी सेवा करनी चाहिए। इस ईर्ष्या भावना के कारण व्यक्ति भगवान को छोड़कर इस भौतिक जगत में आ जाता है। अभी कोई कह सकता है मेरे अंदर ईर्ष्या नहीं है, लेकिन फिर से वही बात, सबके अंदर है ये, सबके अंदर ये ईर्ष्या भावना है। एक बार दो भक्त थे, ये दोनों एक दूसरे से बहुत चिढ़ते थे, बहुत ईर्ष्या थी दोनों के अंदर। तो एक बोला मैं जाके तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करूंगा, तो दूसरे ने कहा ये तपस्या करके आगे बढ़ जाएगा, मैं भी तपस्या करूंगा।
तो दोनों जंगल में दो दो जगह पे चले गए और बहुत साधना तपस्या की। भगवान खुश हो गए, पहले वाले के पास आए, बोले बहुत अच्छा तपस्या किया तुमने, मैं बहुत खुश हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उसने कहा, उसने क्या मांगा वो दूसरे लड़के ने? भगवान ने कहा, अभी तो गया नहीं मैं वहां, मैं जरा एक बार पहले उससे पूछ लीजिए क्या चाहिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ऐसा ना हो मैं कुछ मांग लू वो उससे ज्यादा मांग ले, वो मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है। तो वो भगवान उसके पास जाते हैं, बोला बहुत प्रसन्न हो तुमसे मैं, बोलो बेटा क्या चाहिए? वही प्रश्न, उसने क्या मांगा? मैं उसके पास गया था, उसने बोला पहले तुमसे पूछने के लिए। उसने बोला ओहो ऐसा है क्या, ठीक है। बहुत सोचा उसने, सोचने के बाद बोला हे भगवान मुझे ज्यादा नहीं एक ही वरदान दे दीजिए। वरदान ऐसा है कि आप जो कुछ भी उसे देंगे मुझे उसका डबल हो जाना चाहिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो भी उसे देंगे मुझे उसका डबल दे देना। भगवान ने बोला ये कैसा वरदान है, ठीक है कोई बात नहीं। तो भगवान उससे बोले तथास्तु, बोल के पहले के पास आए, बोले उसने बोला है जो भी तुम्हें मिलेगा उसे उसका डबल मिलेगा। अब उस व्यक्ति ने जब ये सुना तो वो तो रोने लगा, चिल्लाने लगा, हे भगवान ये क्या मांग लिया उसने, अब मैं क्या मांगू, कुछ भी मांगू उसका डबल, ये तो मैं कभी होने नहीं दूंगा। तो बहुत परेशान हो गया, बहुत चिंता में पड़ गया। भगवान ने कहा मांगो तीन वरदान, लेट हो रहा है जाना है मुझे। अचानक से उसके चेहरे पे मुस्कान आई, वो पूरा उत्साहित होकर उठ गया, बोला भगवान तीन वरदान बचाइए। हाँ बोलो। पहला ऐसा कि ये जो मेरी आंख है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अब ऐसा करो मेरी एक आंख ले लो आप। भगवान कह रहे हैं अरे ये कैसा वरदान है, हाँ हाँ बस मुझे यही चाहिए मेरी एक आंख ले लो आप। क्यों? उसके दोनों आंख गायब। जैसे इसका एक आंख गया वो बेचारा वहां बैठे बैठे अंधा हो गया। अब ये व्यक्ति एक आंख लेकर हंसते हंसते गया उसके पास, आ हा मजा आया, रुक बताता हूं। फिर आता है वो, भगवान दूसरा वरदान दे दो क्या, जो हाथ है मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, मेरे एक हाथ भी ले लो आप। भगवान सोच रहे ये क्या कर रहा है ये, तथास्तु, जहां एक हाथ गया उधर में बेचारे का दोनों हाथ गायब। वो देख रहा है ना हाथ आंख है ना हाथ है, ये व्यक्ति एक आंख और एक हाथ के साथ जाता है उसके पास, हा 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 बड़ा मजा आया, रुक और बताता हूं। फिर आके वो भगवान से बोलता है भगवान लास्ट वरदान ऐसा दो, ये मेरा जो पैर है ना एक पैर भी ले लो, ये भी नहीं चाहिए मुझे। देखते देखते वो व्यक्ति बिना पैर बिना हाथ बिना आंख के सब्जी की तरह इधर उधर गिर रहा है, वो तो जीवन तो नरक बन गया। लेकिन ये व्यक्ति इतना खुश है, वो एक हाथ लंगड़ाते हुए जाता है उसके पास, बहुत मजा आया बहुत मजा आया। देखिए ईर्ष्या किस तरह से काम करती है इस जीवन में। इस जीवन में लोग दुखी इसलिए नहीं है कि मेरे पास कम है, इस जीवन में लोग दुखी इसलिए है उसके पास ज्यादा क्यों है, उसके पास क्यों ज्यादा है, हमारे पास भी होना चाहिए। और इसी भावना से सभी व्यक्ति पीड़ित है, यही है ईर्ष्या, और कुछ नहीं। इसी ईर्ष्या के कारण हम भगवान से विमुख हो गए। भगवान से व्यक्ति अपना जीवन को कितना कॉम्प्लिकेटेड कर लेता है इसी ईर्ष्या के कारण। देखिए ना बगल वाले के घर में फ्लैट खरीद लिया उन्होंने, आप क्या कर रहे हैं आप भी कुछ खरीदिए। तो वो व्यक्ति घर वालों को खुश करने के लिए वो लोन ले लेता है, 50-60-70 लाख का लोन ले लेता है, उसके बाद ईएमआई भरते भरते उसको गधे की तरह खटना पड़ता है, उसका पूरा जीवन चला जाता है उसमें। लेकिन उसकी एक ही संतुष्टि है कि घर तो आया, और उसका पूरा सुख शांति पूरा जीवन बर्बाद हो गया। जीवन के अंत में क्या बचा, ये चार दीवार जो कि वो भोग नहीं कर पाया कभी। उसके जाने के बाद बच्चे आते हैं बेच बाच के पैसा लौटा के चले जाते हैं, पूरा मनुष्य जीवन बर्बाद किया। वही व्यक्ति अगर थोड़े में संतुष्ट होने की कला सीख ले तो कितना सुख और शांति से जीवन बिता सकता है। लेकिन ये जो दिखाने की प्रवृत्ति, समाज में दिखाने की प्रवृत्ति, उसकी वजह से आदमी इतना बेचैन इतना परेशान और इतना चिंतित रहता है। और ये सब मनोधर्म है, ये सब मनोधर्म है, मन का बनाया हुआ एक धर्म है, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं।
आप किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाना चाहते हैं जो देखना नहीं चाहता। इस भौतिक जगत में किसके पास समय है किसी को देखने का? सभी व्यस्त है दिखाने में, तो किसको दिखा रहे हैं? यंग लड़के हैं, दिन रात परेशान है अपने आप को सुंदर बनाने में। तरह तरह के पैंट पहनेंगे, तरह तरह के हेयर स्टाइल, कभी इधर रखेंगे कभी इधर रखेंगे, क्या क्या नहीं करते हो, सभी तरह के एक्सपेरिमेंट। लेकिन सभी व्यस्त है अपने आप को सुंदर बना के दिखाने में, कोई दूसरे को देखने का समय नहीं है किसी के पास। मनोधर्म है ये सब, मनोधर्म। तो ये सब भौतिक जीवन की टेम्पररी चीजें हैं, माया देवी का एक ऐसा जाल है जिसमें व्यक्ति को हमेशा उलझा के रखो, है ना। दुर्गा देवी जो है वो कृष्ण की एक ऐसी दासी है जिसका यही सेवा है कि कैसे भौतिक जगत में लोगों को यही लटका के रखना है। माया देवी जेलर की तरह है एक जेल में, जैसे हमने बताया ना हम जेल हैं, तो जेल में जब कोई मुजरिम आता है तो उसे कपड़ा दिया जाता है ना, चक चक शर्ट दिया जाता है, उसे एक नंबर दिया जाता है, चक चक शर्ट दिया जाता है। उसी तरह से भौतिक जगत में जब कोई आत्मा आती है तो उसे ये शरीर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। तो जब ये शरीर आता है, अभी अब जेल के अंदर जाओ, अगर कोई कैदी आपको दिखा के बोले देखो मेरा शर्ट हाई क्लास कितना अच्छा है, मैं तो बहुत प्रसन्न हूं मेरे को इतना अच्छा शर्ट मिला, तो मूर्ख है वो व्यक्ति। उसका धर्म बनता है कि कैसे ये सब छोड़ के बाहर निकले जेल से, लेकिन वो वही शर्ट वर्ट में खुश होकर रह गया। उसी तरह से भौतिक जगत में आने के बाद व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा और उसको देखभाल करने में, सुंदर बनाने में पूरा जीवन बिता देता है। हमारा एक दोस्त था हॉस्टल में, वो जब बाथरूम में घुसता था तो 1.5 घंटा मिनिमम लगता था उसको। वो करता क्या था हमें पता नहीं, कितना रगड़ेगा वो, रगड़ के क्या कौवा कभी हंस बना है? कौवा को पकड़ के कितना भी रगड़ लीजिए वो हंस नहीं बन सकता। और व्यक्ति कौवा है या हंस है ये उसकी प्रवृत्तियां बताती हैं, उसका बाहरी रूप नहीं बताता है, उसकी प्रवृत्ति बताती है कि हंस की तरफ प्रवृत्ति है या कौवे की प्रवृत्ति है उसके अंदर। तो इसलिए शास्त्र में बार बार इस बात पे बहुत जोर दिया गया है कि हर एक व्यक्ति को समझना चाहिए कि कैसे इस ईर्ष्या से मुक्त हुए हैं। आप कहेंगे नहीं मुझे भगवान के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, लेकिन भगवान के भक्तों के प्रति ईर्ष्या भी भगवान के प्रति ही ईर्ष्या का प्रतीक है। भगवान के संतान के प्रति ईर्ष्या भी भगवान के प्रति ही ईर्ष्या का प्रतीक है। भगवान के संतान यानी कि जो लोग पकड़ के मुर्गे को बड़ी बेरहमी से काटते हैं वो क्या है, वो भगवान के प्रति नफरत का ही प्रतीक है वो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने पिता को बहुत प्रेम करता है तो पिता की जो दूसरी संतान है उसको भी प्रेम करेगा, उसको पता है अगर मैं इसे नुकसान पहुंचाऊंगा तो पिता दुखी हो जाएंगे, है ना। तो हमारी अवस्था कैसी है, एक बार एक पिताजी थे, वो पिताजी रेस्ट ले रहे थे तो उसका एक लड़का आता है, वो एक पैर दबाने लगता है, पिताजी मैं आपको खुश करता हूँ तो पैर दबाता हूँ। पिताजी ने बोला बहुत अच्छा दबाओ जाओ। तो इसने उसका दूसरा भाई आ जाता है, देखा अरे ये पैर दबा रहा है ये खुश कर रहा है पिताजी को, मैं भी करता हूँ तो ही पैर दबाता है। दूसरे पिताजी बहुत खुश है, पहला वाला सोचता है वो पिताजी को खुश कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा, तो क्या करता है पिताजी का एक पैर दबाते दबाते दूसरे पैर में जोर से छुट्टी काट देता है। तो पहले वाला देखता है अरे मेरे पैर में छुट्टी काट दिया मेरे साइड वाले में, तो दूसरे में दो छुट्टी काटता है, उधर वाला तीन छुट्टी काटता है। और पिताजी परेशान है, चिल्ला रहे अरे बंद करो छोड़ो ये सब, और तीनों छुट्टी काट के पिताजी को पैर का लाल कर देते हैं। पिताजी की सेवा से मतलब नहीं है उन्हें, मेरे काम में तुम कैसे आगे निकल सकते हो मुझसे। ये भौतिक जगत में लोगों की ऐसी अवस्था है, भगवान की सेवा करने के बहाने आपस में लड़ रहे हैं सब, लेकिन भगवान खुश हो रहे हैं या नहीं ये नहीं, इस पे कोई विचार नहीं कर रहा है, आपस में ही लड़ने में लगे हुए। इसीलिए अपनी चेतना का विकास करना, कैसे हम भगवतम जा सकते हैं, कैसे भगवान के प्रति आसक्ति होगी, कैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से छुटकारा मिलेगा, कैसे शास्त्र अध्ययन में मन लगाएं, कैसे इसे समझें, ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, इस पे ध्यान लगाना चाहिए।